एक और बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, सीधे उसका रुख कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। 7 जनवरी को बीजेपी की अहम बैठक होगी, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी, साथ ही बैठक के दौरान चुनावी रणनीति पर तैयारियां भी होने वाली है। तो जिस प्रकार से बीजेपी तैयारियां कर रही है उससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम तैयारियां कर रही है, और जो एक लक्ष्य रखा गया है कि 400 से भी ज्यादा लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में देश भर से आनी चाहिए, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर प्रदेश में कवायद शुरू हो चुकी है, रणनीतियां बनाई जा रही है। सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए, उनसे जानकारी ले लेते हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की क्या कुछ तैयारी है। सोनू, 7 जनवरी को बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है, 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड में, और इस बार एक लक्ष्य रखा गया है हैट्रिक का। अब इस हैट्रिक को किस प्रकार से पूरा कर पाएगी बीजेपी, क्योंकि सामने एक चुनौती भी है, क्योंकि कांग्रेस इस बार इंडिया गठबंधन के साथ में चुनावी मैदान में उतरेगी। देखिए रुपमा, आपने इस बात को कहा कि जो बीजेपी की सेंटर टीम है यानी केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का है, उसने इस बार अब की बार 400 के पार का नारा दे दिया है, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो उत्तराखंड बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो ये फॉर्मूला अख्तियार कर रहे हैं कि जो 75% मतदान है वो बीजेपी के पक्ष में होगा, क्योंकि बीजेपी के लिए एक चुनौती भी है हैट्रिक लगाने की। ऐसे में अब जो विपक्षी दल जिस तरह से रणनीति बना रहे हैं उस पर कैसे बीजेपी जो है वो विजय हासिल कर पाएगी, इसी की रणनीति बनाने के लिए प्रदेश स्तरीय जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो उत्तराखंड के जुटने जा रहे हैं, मंथन करेंगे और एक रणनीति तैयार करेंगे, और कहीं ना कहीं जो केंद्र के मार्गदर्शन है उसको धरातल पर उतारने के साथ ही साथ जो पार्टी के नेता है उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, पार्टी के आने वाले समय में कार्यक्रम किस तरह से होंगे, कैसे आम जनमानस को पार्टी के पक्ष में खड़ा करना है, कैसे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो सरकार की रीति नीति को, संगठन की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाएंगे, और किस तरीका क्या रिस्पॉन्स जो है वो पार्टी के नेताओं को मिल रहा है इसकी समीक्षा की जाएगी, और जो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है उसको इसका अपडेट भी लगातार दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेता हो, प्रदेश प्रभारी हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, या संगठन जितने भी अनुसांगिक संगठन बीजेपी के हैं, जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो सब एकजुट होकर के एक रणनीति बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं, ताकि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें बीजेपी पूरी तरह से सफल हो और जीत का पश्चिम लहराए। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरह से विपक्ष भी अपनी रणनीति लगातार तैयार कर रहा है, इस दौरान जो पार्टी के नेता हैं वो किस तरीके का बीजेपी के मंथन करने वाले हैं, ताकि आने वाले समय में जो लक्ष्य बीजेपी ने फिलहाल निर्धारित किया है इसमें पूरी तरह से सफल हो सके। बिल्कुल सोनू, और कहीं ना कहीं बीजेपी एक अच्छी रणनीति के लिए भी जानी जाती है, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस बार जो हैट्रिक का लक्ष्य रखा गया है उत्तराखंड में उसे किस प्रकार से पूरा करती है, वो कौन सी स्ट्रेटेजी होगी जिसके मद्देनजर बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता, नेतागण, कार्यकर्ता और पदाधिकारी काम करते हुए नजर आएंगे। मैं लौटूंगी आपके पास में। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है बीजेपी, और 7 जनवरी को बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है जिसमें रणनीतियां बनाई जाएगी, और तमाम रणनीतियों पर बीजेपी एक बार फिर से विचार विमर्श करती हुई नजर आने वाली है।